नमस्कार, मैं गरिमा और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। सेक्स के लिए सहमति की उम्र 18 साल से कम करनी चाहिए और खासकर तब जब भारत में 18 साल से कम उम्र वाले शख्स को बालिग ही नहीं माना जाता है। भारत में इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के अनुसार 18 साल के युवा वयस्क और बालिग माने जाते हैं और इसके साथ ही 18 साल के होते ही उन्हें कई और अधिकार भी दिए जाते हैं। संविधान के 61वें संशोधन में 18 साल के युवा को मतदान और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का अधिकार दिया जाता है। वहीं बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के मुताबिक शादी के लिए लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल होना जरूरी बताई गई है, पर अब शादी की उम्र को बढ़ाने को लेकर केंद्र सरकार विचार कर रही है। हालांकि भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ सहमति से बने रोमांटिक रिश्तों को पॉक्सो एक्ट के अंडर में लाने की बात कर चुके हैं, लेकिन इस पर एक सवाल यह भी खड़ा होता है कि अगर सहमति की उम्र को 18 साल से कम कर दिया जाता है तो इससे यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बने कानून और प्रावधानों और अन्य कानूनों पर भी असर पड़ेगा। पॉक्सो एक्ट में 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति को बच्चा माना जाता है और अगर 18 साल से कम उम्र के साथ सहमति से भी यौन संबंध बनाए जाते हैं तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। ऐसी स्थिति में दोनों अगर नाबालिग हैं तब भी यही प्रावधान लागू होता है, पर रिसेंटली इस एज को 18 से कम कर 16 साल करने की बात हो रही है। उम्र कम करने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि पॉक्सो एक्ट के तहत 25% केस में यह साबित हुआ है कि जो पीड़िता और आरोपी हैं उनके बीच रिलेशनशिप था। 80% केस में लड़की या लड़की के पेरेंट्स केस फाइल करते हैं और कई केसेस में लड़की स्वीकार नहीं कर पाती कि उनका रिलेशनशिप था और ज़्यादातर केसेस में लड़कियाँ यह स्वीकार कर लेती है कि उनका रिलेशनशिप था। और जब मामला 16 से 17 साल के बीच होता है तो जजेस को भी दिक्कतें आती हैं और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी यह ऑब्जर्व किया है कि पॉक्सो एक्ट यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के लिए बनाया गया है, ना कि यंग एडल्ट्स के रोमांटिक रिलेशनशिप को अपराध बनाने के लिए बनाया गया है।